गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आफ्टर हाफ एल एग्ज़ाम नाउ आज हम लोग आपका जो पार्ट पाँच है सॉरी बेस्ट फ्रेंड वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लिखा गया है हेमागिनी रनाडे के द्वारा। ठीक है, तो अब हम कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो बहुत ही ज़्यादा होशियार था, जो अपनी माँ के कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। आइए अब बचपन के झरोके से हंसिए पर रह रहे लोगों के बचपन पर नज़र डालें और लेखिका हेमागिनी रनाडे द्वारा रचित कहानी पढ़ें। वह नया नया दिल्ली में आया था, स्कूल अभी शुरू नहीं हुए थे, ममा को ऑफिस जाना पड़ता था और वह घर में अकेला रहता। वैसे ममा को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, पर क्या करते, नौकरी के सिलसिले में वे लोग मुंबई आए थे। पापा की मौत के बाद ममा को बड़ी परेशानी से यह नौकरी मिली थी। सोनू ममा को समझाता, मैं अब छोटा थोड़े ही हूँ, 6 साल का हूँ, तुम क्यों चिंता करती हो, मैं मज़े से रहूँगा। पर मन ही मन में उसे डर लगता। दिल्ली में कितने ही लोग थे, दादा दादी चाचा चाची उनके बच्चे पास पड़ोस वाले, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा था वो बिल्कुल ही सोनू जो था वो बिल्कुल अकेला था, बिकॉज उसकी फादर की डेथ के बाद उसकी मम्मा नौकरी करने के लिए दिल्ली से बम्बई शिफ्ट हो गई थी। मम्मा उसे हिदायतें देकर जाती, देख बाई के अलावा किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना, कोई खटखटाए तो अंदर से ही पूछ लेना, संभल कर रहना, खिड़की में से झुकना नहीं, समय पर खा लेना, गैस नहीं खेलना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले पेज पर। वह रोज़ सारी हिदायतें ध्यान से सुनता, सर हिलाकर हाँ कहता। धीरे धीरे मम्मा के बाहर निकलने पर वह स्वयं कहने लगा, दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, कोई खटखटाएगा तो अंदर से ही पूछ लूँगा, संभल कर रहूँगा, खिड़की में झुकूँगा नहीं, समय पर खा लूँगा, गैस को हाथ तक नहीं लगाऊँगा। और इसी तरीके से दोनों माँ बेटे हंस देते हैं, यानी कि यहाँ पर सोनू का नेचर बताया कि वो अपने मम्मा के साथ कितना ज़्यादा कोऑपरेटिव है। लेकिन उसे घर में बहुत अकेला सा लगता। टीवी देखना, किताबें खोलकर बैठना, बरामदे में से नीचे झांकना, खाना, सो जाना, अकेले में और क्या हो सकता, क्या अकेले में खेल सकता है कोई, नहीं खेल सकता है ना। मामा के जाने के बाद बाई आती, काम खत्म हो जाता तो उसे बताकर दरवाज़ा खींचकर चली जाती, दरवाज़ा बंद हो जाता। कभी कभी सोनू दरवाजे पर कान लगाकर सुनता, बाजू वाले घर में कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे, शायद वहाँ पर भी कोई नहीं था, वे लोग बहुत ही सुबह चले जाते और शाम को आ जाते। जब शाम को मम्मा आती तो सोनू को लेकर घूमने जाती, पर तब मम्मा इतनी थकी थी कि उनमें ज़्यादा बात करने की ताकत नहीं रहती और सोनू के पास प्रश्न अच्छे रहते। मम्मा थोड़ी देर बोलती फिर चुप हो जाती, सोनू समझ जाता मम्मा थक गई हैं, वह भी चुप हो जाता। इसी तरीके से उनकी जो डेली रूटीन था वो चलता जा रहा था। एक दिन बाई के साथ उसकी बेटी आई, बाई ने उसे डांटकर कहा चुप बैठ जा और अपना काम करने लगी। सोनू ने लड़की को देखा, दुबली पतली कुछ मैली सी यानी कि जो मटमैली सी रहती हैं, साफ़ सुथरी नहीं रहती, वो दुबक कर दरवाजे के पास बैठ गई। दुबक कर मतलब डर कर बैठ गई, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे चिल्लाया था। फिर सोनू उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, उसने डर के मारे कुछ ना कहा। अरे तुम्हारा नाम बताओ, बाई ने डपट कर कहा। अरे सुनाई नहीं देता बाबा क्या कह रहा है, नाम बताओ। रहीमन, एक महीन सी आवाज़ मतलब बहुत धीमी आवाज़ में उसने कहा कि मेरा नाम रहीमन है। तुम स्कूल जाती हो, उसने सर हिला दिया, क्यों नहीं जाती। मैं जाने वाला हूँ इस जून से बहुत बड़े स्कूल में, वह देखती रही। बाई ने पीछे से कहा, स्कूल कहाँ जाएगी बाबा, घर का काम करती है। काम करती है पर ये तो छोटी है, बाई हंसने लगी। सोनू ने रहीमन को अंदर बुलाकर खिलौने किताबें दिखाना चाहा, पर रहीमन वहीं बैठी रही। आखिर सोनू अपना काफ़ी सामान वहीं ले आया और उसे दिखाने लगा। जब बाई जाने लगी तो हिम्मत बांधकर सोनू बोला, इसे कल भी लाना बाई, क्योंकि वो हमेशा अकेले रहता था। अब जब उसे कोई फ्रेंड मिली तो वो चाहता था कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करो और अपनी चीज़ें शेयर करें। ठीक है, अब हम अगले पेज पर आते हैं। बाई मुस्कुराकर चल दी। रहीमन ने पीछे मुड़कर सोनू को देखा, सोनू ने हाथ हिलाया, फिर दरवाज़ा बंद हो गया। सोनू दौड़कर बरामदे में गया, बरामदे मतलब जो बाहर की बालकनीज रहती हैं सोसाइटीज़ में,
वहाँ से उसने रहीमन को टाटा किया। रहीमन ऊपर देख रही थी पर उसने टाटा नहीं किया। उस शाम मम्मा को बताने के लिए सोनू के पास बहुत कुछ था। एक सांस में उसने मम्मा को रहीमन की बात बताई। मम्मा उसे उत्साह से भरे चेहरे को देखती रहीं। उत्साह मतलब बहुत ही खुशी से उसने अपने नए फ्रेंड के बारे में अपनी मम्मा को इंट्रोड्यूस किया। इतवार को मम्मा की बाई से कुछ बातें हुई और रहीमन रोज़ बाई के साथ आने लगी। इतवार का मतलब होता है संडे। अब वह दरवाजे के पास बैठी नहीं रहती बल्कि घर में आती, सोनू के खिलौने खेलती, उनको छूती, सोनू की किताबें खोलकर चित्र देखती। सोनू उसे समझाता, दिखाता और खुश होता। जब तब जाते तो नए नए खेल ईजाद करने लगते। ईजाद का मतलब होता है बनाना, यानी कि नए नए खेल और नए नए चीज़ों को खोज करते रहते। रहीमन के कपड़े साफ रहने लगे, उसके बालों पर तेल लगने लगा। दोनों मिलकर दोपहर का खाना खाते। मम्मा अब दोनों के लिए खाना बनाकर रख जाती। बाई सुबह रहीमन को ले आती, शाम को जब सारे घरों के काम खत्म हो जाते तो उसे लेकर वापस चली जाती। अब सोनू का दिन जल्दी जल्दी बीतने लगा, पलक झपकने में शाम हो जाती। मम्मा को बताने के लिए रोज़ नया कुछ होता। मम्मा भी सोनू की बातें सुनकर कभी मुस्कुराती, कभी हंसती। रहीमन के साथ सोनू घंटों बोलता, अपनी सारी रास की बातें, बड़े होकर इंजन ड्राइवर बनने की अपनी इच्छा, अपने पिता की अच्छाइयाँ, दिल्ली के घर की खूबियाँ, आह कितनी बातें बताता। जानती हो मम्मा, मैं रहीमन का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, अपनी गाड़ी में उसको सैर ज़रूर कराऊँगा। मम्मा कौतुक से उसे देखा करती। कौतुक यानी कि बहुत एक्साइटमेंट, एक मन में भाव उठते हैं कि वो समझ नहीं पाती कि बड़ा होके क्या बनेगा, उसकी बातों को समझने की वो इच्छा व्यक्त करती। अब हम अगले पेज पर आते हैं। स्कूल शुरू होने ही वाले थे। पहली तारीख को मम्मा ने कुछ नोट निकाल सोनू को दिए। यह लो, बाई आए तो उन्हें दे देना उनकी तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब होता है सैलरी। और एक लिफाफा, लिफाफा मतलब एम्बलॉप जिसमें पैसे डालकर हम देते हैं, देकर कहा। और यह रहीमन के लिए। रहीमन को किस लिए मम्मा, सोनू ने पूछा। क्यों, वह रोज़ आती है, नहीं है तुमसे खेलने, मम्मा मुस्कुराने लगी। यानी रहीमन उससे खेलने इसलिए आती थी कि मम्मा उसे पैसे देती हैं। तो मैं रहीमन का बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, वो मुझसे मिलने नहीं आती, अपनी गरज से आती है। गरज यानी कि स्वार्थ। सोनू का मुँह फूल गया। उसे ऐसा लगा कि रहीमन को पैसे मिलते हैं इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने आती है। जब रहीमन आई तो सोनू ने उसके सामने लिफाफा रखकर कहा, लो यह तुम्हारी तनख्वाह है। बाई ने पीछे से लपक कर लिफाफा ले लिया। उस दिन सोनू ने ना रहीमन के साथ खेला ना कुछ बोला, कमरे में जाकर किताबें पढ़ने लगा। जब रहीमन ने आकर उससे किताबें छीननी चाही तो सोनू ने झल्लाकर मतलब बहुत ही रूढ़ व्यवहार में, तुम क्या जानो पढ़ना लिखना क्या होता है, गवार कहीं की। गवार का मतलब होता है जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते, उनके लिए हम एक बहुत ही गलत वर्ड यूज़ करते हैं, वो होता है गवार। रहीमन सोनू की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगी। टुकुर टुकुर मतलब एक टक से। बोली कुछ नहीं। शाम को मम्मा लौटी तो सोनू ने उसे भी कोई बात नहीं कही। इतवार को मम्मा ने रहीमन को बुलाया था। पास में समंदर का किनारा था। आज वे वहाँ दोनों बच्चों को लेकर जाना चाहती थी, फिर तो स्कूल शुरू हो जाते। सोनू का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था, वो चुपचाप उनके साथ चलता रहा। समंदर किनारे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौजों की आवाज़ आ रही थी। इतना पानी देख सोनू ही सोनू की आंखें फैल गईं। एक साथ इतना पानी उसने कभी नहीं देखा था। आसपास बच्चे बालू यानी कि जो रेत होती है, बालू के घर बना रहे थे। जाओ तुम लोग भी बनाओ, देखो कितने अच्छे घर हैं, मम्मा ने कहा। दोनों बच्चे अलग अलग घर बनाने लगे। थोड़ी देर बाद सोनू ने देखा रहीमन का घर तैयार था। बड़ा प्यारा घर था, महराबों, खिड़कियों, गुबंद वाला घर, यानी कि जहाँ पर प्रॉपर दरवाजे, खिड़कियाँ, एक टीले वगैरह होते हैं उस टाइप से। उसकी अपनी दो दीवारें भी नहीं उठी थी। मम्मा ने आकर देखा, वाह रहीमन कितना अच्छा घर बनाया है तूने, मम्मा ने तारीफ करी। सोनू का घर वैसा का वैसा धरा था। धरा यानी कि उठ ही नहीं पाया था, अभी तक बना ही नहीं पाया था वो। एक तो हमारे पास से पैसा लेती है, दूसरे मेरी मम्मा की तारीफ भी पाती है। सोनू का गुस्सा उबल पड़ा। वह उठा, दौड़कर रहीमन के घर पर पैर रखा और वहीं खड़ा रहा। रहीमन बुक्का मारकर रो दी।
तोड़ दिया मेरा घर रे, सोनू को और गुस्सा आया। तैश में यानी कि गुस्से में। तैश में आकर वह उस गिरे हुए घर पर कूदने लगा। वो उसे चढ़ाने लगा कि देख तेरा घर खत्म, बालू का घर ढह गया। रहीमन रोती रोती सोनू से लड़ती गई। धक्का मुक्की लात घुसे, दोनों ने एक दूसरे को खूब मारे। मामा बीच बचाव करने आई पर दोनों में से एक ने भी उनकी ना सुनी। एक दूसरे को नोच खचोट कर दोनों बच्चे कुछ शांत हुए तो मम्मा ने चुपके से दोनों की बाहें पकड़ी और दोनों को घर ले गई। सोनू को सीढ़ियां चढ़ाकर वह रहीमन को अपने घर छोड़ आई। उस रात मामा ने सोनू से बात तक नहीं की, खाना नहीं दिया ना खुद खाया। दूसरे दिन जब सोनू ने देखा कि मामा आज भी कुछ नहीं बोल रही हैं तो वह बड़बड़ाने लगा। एक तो हमारे पैसे लेते हैं, दूसरे मामा तारीफ भी उसी की करती हैं, मुझे खाने को नहीं दिया, मुझसे मामा बोलती भी नहीं है। उसे बहुत ज़ोर से रोना आ रहा था लेकिन वह रोया नहीं। रोना दबाने से उसका गला दुखने लगा। वह चुपचाप बैठा रहा। दफ्तर जाते समय मम्मा उसके पास आई। मैं जाकर बाई से कह आती हूँ कि आगे से रहीमन को यहाँ ना भेजा करें, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं पक्के दुश्मन हो। मम्मा की कड़ी आवाज़ सुनकर सोनू रो दिया। मम्मा ने पास आकर उसे पुचकारा यानी कि प्यार से दुलारा। सोनू तुमने ऐसी जंगली हरकत क्यों की, ऐसा क्या किया था रहीमन ने? अब सोनू से रहा नहीं गया, वो चीख कर बोला, मैं उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझता था पर वह सिर्फ मतलब के लिए यहाँ आती थी, मेरे लिए नहीं, पैसों के लिए। ये सच नहीं है। सच है, आप ही ने दिए थे पैसे। एक काम करो सोनू, आज तुम जाकर रहीमन का घर देखाओ। मैं दफ्तर नहीं जाती, चलो मैं तुम्हें उसका घर दिखाती हूँ, पहले मुँह हाथ धो लो। सोनू की समझ में तो नहीं आया पर मम्मा ऐसी आवाज़ सुनने के बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कुछ कहने की। अच्छे बच्चों की तरह हाथ मुंह धोकर वह मम्मा के साथ चल दिया। उनके घर के परले सिरे में गली में एक बस्ती थी। बदबूदार जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ था। आसपास कौए, मरियल कुत्ते और मोटी ताजी बिल्लियां कचरे में मुंह मारती हुई। पानी के नल के पास 30-40 औरतों का जमखड़। एक झोपड़ी के पास जाकर मम्मी रुकी। रहीमन की अम्मा, उन्होंने आवाज़ लगाई। बाई बाहर आई और मालकिन को देखकर चकित रह गई। चकित यानी कि शॉक्ड। रहीमन कहाँ है, मम्मा ने पूछा और घर के अंदर प्रवेश किया। घर में इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोने में चूल्हे के पास एक आकृति उठ खड़ी हुई। फटे पुराने कपड़ों में लिपटी रहीमन उनके सामने खड़ी थी। रोने से या धुएं से उसकी आंखें लाल थीं। रहीमन, सोनू तुमसे माफ़ी मांगने आया है। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, बाई ने बीच में बचाव किया। बच्चे तो लड़ते भिड़ते रहते हैं, प्यार की लड़ाई किसे बुरी लगती है? रहीमन की अम्मा, गुस्से से नफरत की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कल से सोनू के स्कूल शुरू होंगे, कल से ही रहीमन भी स्कूल जाएगी ना? हाँ मैम साहब, आपने जो पैसे दिए थे उससे रहीमन के लिए यूनिफॉर्म बनवाने को दिया है, सोनू ने मम्मा की तरफ देखा। मम्मा ने हंसकर रहीमन की तरफ इशारा किया। सोनू रहीमन के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, माफ़ कर दो, सॉरी बेस्ट फ्रेंड। यानी कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक हम किसी बात को पूरी तरीके से ना समझे, अपनी किसी भी तरीके की मनोदशा हमें नहीं बनानी चाहिए।